Good morning, friends. So I've come out for jogging, trying to do this every morning. But बच्चों के साथ थोड़ा difficulty होता है, but trying my best. तो अभी आज है संडे, तभी जाके हस्बैंड का लंच ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है. अभी बज रहे हैं 6:30. हाफ एन आवर का जॉगिंग करके एंड देन आई गो बैक. मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सो अभी बज रहे हैं 8:20 एंड ये इधर अपने बाबा को बाय बोल रहे थे, उनके हस्बैंड चले गए. सो नाउ आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड आई एंजॉय माई मॉर्निंग कॉफ़ी. सुबह नाश्ते अभी आलू परोठा बनाऊंगी. दोपहर का हो गया मेरा अभी. सो टुडे आई विल बी शूटिंग व्हाट अ डे इन माय लाइफ लुक्स लाइक, व्हाट अ मॉम्स डे इन लाइफ लुक्स लाइक. सो स्टे कनेक्टेड. सो दिस इज माय ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा एंड विद केचप. आई नो इट्स अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट बचपन में अम्मी ने हमें इसी के साथ आदत किया है, परोठा एंड केचप, तो हमें यही सही लगता है. एंड ये इधर मैंने इधर इन्हें वीटाबिक्स दिया है. देखो इतना मेस. मैं मिनिमम एटलीस्ट 3 to 4 times तो सफाई करते ही रहती हूँ. आज आपको दिखेगा, ये सुबह का फर्स्ट पार्ट है. मैंने इन्हें वीटाबिक्स इसलिए दिया क्योंकि ये दूध नहीं पीते, तो किसी तरह दूध चला जाए ना, दूध पीने के लिए बहुत सताते हैं. तो I just gave him so that some milk goes in his body. So ये इधर साफ करने के लिए मुझे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं ये. और उधर वो टिश्यू पेपर लेके लॉन्ड्री बास्केट के अंदर डाल रहे हैं टिश्यू. दिन सारा यही चलता है, मतलब साफ करो फिर ये गंदा करते, साफ करो फिर ये गंदा करते, मेरा सारा दिन इसी में चला जाता है. रियान अब ये बेड ठीक करना है. ये बेड ठीक करने के बाद मैंने आज सुबह सुबह इनका पॉटी नहीं हुआ, तो बेड ठीक करने के बाद मैं इन्हें नहला के सुला दूंगी, फिर घर की सफाई करूंगी. ये इधर से उधर इधर से उधर बस ये पिलो लेके जा रहे हैं. तो इधर का बेड ठीक करके फिर दूसरे काम करती हूँ. किचन अभी मेस्ड अप ही है, कपड़े सुखाने हैं, कपड़े फोल्ड करने हैं. टू मच ऑफ वर्क. Thank you.
इसको साफ करेंगे, ये तो दिन में मतलब 4 या 5 बार नहा लेता है किचन, बेसिकली इसको दिन में 4 से 5 बार साफ करना पड़ता है, सिंस द पोस्ट मेस। फिर इसके बाद में फिर इन्हें नहलाने जाऊंगी। अब बज रहा है 11 बज रहा है, अब तक इनका नहला के नहीं हुआ। ड्राइंग द क्लोथ्स, ये मैंने एक फर्टिलाइज़र बनाया है विद द वो जो बनाने का छिलका होता है ना, उसको मैंने पानी में डाल के रख दिया है 2 दिन के लिए। आई हैव रेड समवेयर के दिस इज़ गुड सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र फॉर द प्लांट्स, सो आई एम जस्ट ट्राइंग इट, देखते हैं। अभी जो आई हैव टू वाटर द प्लांट्स एज़ वेल, ये पाइनएप्पल का है जो हम लोगों ने बनाया है। ये एलोवेरा बहुत धूप है ना, इधर ड्राई हो गया है। अब इनको निकाल के इन्हें फोल्ड करके फिर जो नीचे पड़ा है उसको सुखाना है। आपको पता नहीं है धूप में दिखाई दे रहा है या नहीं, सो गए हैं, सो आई हैव टू फोल्ड दिस क्लॉथ्स। और किचन का भी काम पेंडिंग है, वो नहीं हुआ। वी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन आई वाज क्लीनिंग द किचन, और साथ ही साथ यूट्यूब एडिटिंग भी करूँगी। बहुत धूप है, ये अभी डोर बंद करने के टाइम पे ऊपर से नीचे, या अगर ज़ोर से बंद करो ना डोर तो ये सीलिंग गिर जाता है। दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। अभी बस फैसिलिटी वालों को बुलाएं, वो लोग आके ठीक कर देंगे। इतने ज़ोर से डोर बंद किया ना तो गिर गया। दिस इज़ सेकेंड टाइम इट्स हैपनिंग। तो ये सेकेंड लॉट है आफ्टर लंच, लंच के बाद का बर्तन, बर्तन तो बढ़ते ही जाते। ये कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, ये मंजू दोपहर के जो बर्तन है ना वो भी वैसे ही पड़े हैं। इफ यू कैन सी, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, आई जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग। आज सोचा था कि पूरा कर लूँगी बट हो ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा बैक पेन है। अभी तो सिर्फ वैक्यूम किया था, अभी पहुँचना भी है, बिकॉज बेबी हर जगह सुसु करता है ना वो, मतलब ही इज़ ऑन हिज पी ट्रेनिंग हिम, तो वो कई कई बार बिना बोले ही कर देता है। तो अभी पहुँचना भी है, मतलब पहुँच देती हूँ फिर भी अभी एक बार ठीक से सफाई करना होता है ना, मैं वो इवनिंग पे ही करती हूँ। पहुँचना ना सिर्फ झाड़ू वैक्यूम सुबह पे होता है। ये टॉयस भी वगैरह ऐसे ही है, नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। तो मैंने डिनर बनाया था, रोटी और पनीर। बेसिकली हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं है तभी हम लोगों को काम करना पड़ता है, मॉम्स आर नेवर ऑन रेस्ट। और इसमें मैं जब भी रोटी बनाती हूँ उस पर कलौंजी ऐड करती हूँ। तो मैंने फिर सारा काम कर दिया, जो पूछना था, कपड़े फोल्ड करने थे, सब किया। बिकॉज व्हेन यू हैविंग अ बेबी यू आर नेवर ऑन रेस्ट, सोच लो कि 5 मिनट सो जाएंगे तो वो अपने काम पे ही कुछ ना कुछ बिजी रहते, हम लोग नहीं सो सकते। सो इवेंचुअली आई मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड देन डिड ऑल ऑफ द हाउस चोर्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। खाने के बाद मैंने किचन साफ किया एंड फिर मैं जल्दी जाके सो गई थी। हस्बैंड आने के बाद वो उन्होंने मुझे वो रिलीफ स्प्रे लगाया था तो उससे थोड़ा बेटर हो गया एंड देन
did all of the work. See, moms are never undressed. Moms or housewife. Hats off to the मॉम्स एंड हाउस वाइफ. सोचते हैं कि छुट्टी लेके कोई कुछ काम नहीं करेंगे, बट दैट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल व्हेन यू हैव अ बेबी. एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो.